नेहा सिंह राठौर ने एक बार फिर मोदी सरकार की लगा दी लंका। किसानों पर हुई सख्ती तो फिर नेहा सिंह का माथा ठनका। लोक गायिका ने फिर खोल दिया सरकार के खिलाफ मोर्चा और अन्नदाता के दर्द पर जो कहा उसने हिला दी सत्ताधारियों की नींव। हो गया फैसला और हो गया इंसाफ, नेहा सिंह ने कहा कि एक ही जवाब है लाठी। देखिए लोक गायिका ने और ऐसा क्या कहा कि सत्ताधारियों की सिट्टी पिट्टी हो गई गुम। नेहा सिंह राठौर एक बार फिर सरकार के सामने ताल ठोक रही हैं और एक बार फिर किसान दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हैं। इधर किसानों की आवक तेज हुई तो उधर सरकार की तरफ से शक्ति भी बरती गई और जब ऐसा हुआ तो फिर सामाजिक संगठनों और लोक कलाकारों का पारा चढ़ गया और अब नेहा सिंह राठौर ने तो ऐसा हल्ला बोल किया है कि ना तो प्रवक्ताओं से दलील देते बन रहा है और ना आलाकमान कुछ बोल पा रहा है। अन्नदाता पर अब अत्याचार देखा तो फिर नेहा सिंह ने सीधे सीधे सरकार को निशाने पर लिया। नेहा सिंह का अंदाज ऐसा है कि उनका सटायर सत्ताधारियों की हालत पतली कर देता है और अब फिर से वही देखने को मिल रहा है। किसानों की दिल्ली चलो मार्च का आज दूसरा दिन है। किसानों को दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए जबरदस्त बैरिकेडिंग की गई है। इस बीच किसानों और पुलिस के बीच शंभू बॉर्डर पर जबरदस्त टकराव भी देखने को मिला जिस पर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सरकार के रवैये पर भी सवाल उठाए हैं। नेहा सिंह राठौर ने किसानों के आंदोलन को लेकर सरकार पर निशाना साधा और कहा सरकार के पास हमारे हर सवाल का जवाब सिर्फ लाठी है। जब भी सरकार से कुछ कहा जाता है तो लोगों पर लाठियां बरसाई जाती हैं। गायिका नेहा सिंह राठौर ने कहा जब भी हम कहते हैं कि हमें सस्ती पढ़ाई चाहिए पीटे जाते हैं, रोजगार चाहिए पीटे जाते हैं, खेती में मुनाफा चाहिए पीटे जाते हैं। सरकार के पास हमारे हर सवाल का एक ही जवाब है लाठी। लाठी मारता सिपाही, दम तोड़ता किसान और पट्टी बंधवाता विद्यार्थी इस सरकार के नए आइकन हैं। नेहा सिंह राठौर अक्सर अपने गानों और लोकगीतों के जरिए सत्ताधारी पार्टी पर निशाना साधते रहती हैं। उन्होंने यूपी और बिहार में काबा गाकर तहलका मचा दिया था जिसके बाद वो काफी सुर्खियों में आ गई थी। नेहा सिंह राठौर ने कहा था कि वो जनता की आवाज बनना चाहती हैं और वो अपने काम को ईमानदारी से करती हैं। जो लोग अपनी बात कहने से डरते हैं उनकी बातों को ही वो अपनी गीतों और कविताओं के जरिए कहने की कोशिश करती हैं। आपको बता दें कि पंजाब हरियाणा के किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य समेत कई मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने 13 फरवरी को दिल्ली चलो का आह्वान किया था जिसके बाद दिल्ली की सीमाओं पर भारी सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए सड़क पर लोहे की बड़ी बड़ी कीलें लगा दी गई हैं। इसके साथ ही सीमेंटेड बैरिकेटिंग और बड़े बड़े टैंकरों में मिट्टी भरकर रास्ते बंद कर दिए गए हैं। मंगलवार को शंभू बॉर्डर पर दोनों के बीच जबरदस्त टकराव देखने को मिला था। सुरक्षा बलों ने किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। इस टकराव में कई किसानों के घायल होने की खबर है। एक तरफ किसान परेशान है और दूसरी तरफ सरकार के दावे हैं। सरकार का दावा है कि उसने किसान मालामाल कर दिया तो वहीं किसान अब भी फटे हाल है, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।